Good morning, friends. Have a nice day today. Friends, अभी recently कुछ questions मेरे से पूछे गए थे, तो उसी के बारे में हम आज discuss करेंगे. एक ये था कि angular velocity होती क्या है. दोस्तों, हमने ज़्यादातर पढ़ाया कि भाई RPM, radians per second, और velocity, what is velocity? It is the distance traveled at a particular time. Now the question which normally comes, एक जो पूछा गया वो ये था कि angular velocity जो है एक card के अंदर, अगर आपको RPM पता है तो feed roller, lacquerin, सिलेंडर और डॉफर, इसको आपने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लगानी है. तो दोस्तों, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या, हम कैसे इसको निकालते हैं. तो एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है कि जैसे हम बात करते हैं आरपीएम में, तो आरपीएम में क्या होता है, इट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट. मगर इसके अंदर क्या है, एक रेवोल्यूशन अगर कोई भी सर्कुलर चीज जब लेती है तो इट इज 360 डिग्री. जब हम सर्कुलर मोशन, एक मोशन कंप्लीट होता है एंगुलर के केस में, तो ये एक 360 डिग्री होता है. तो नाउ टुडे वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आरपीएम एंड द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डिग्री पर सेकंड. तो हमने ये पाया कि एक एंगुलर जो है वो 360 डिग्री होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. अगर मुझे ये पता है कि एक आरपीएम से कोई चीज चल रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसका मतलब हो गया कि 6 डिग्री पर सेकंड उसका जो है एंगुलर वेलोसिटी है. सो 1 आरपीएम इज इक्वल टू 6 डिग्री पर सेकंड इन एंगुलर वेलोसिटी. अब जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मली जो फीड रोलर है इसमें जो स्पीड होती है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, से 1 आरपीएम. अगर हम लिक्रिन की बात करते हैं तो इट इज रनिंग एट 1000 आरपीएम, स्पीड बहुत ज्यादा होती है. अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इट इज 150 टू 180 आरपीएम अप्रोक्सीमेट, एंड डॉफर इज से 18 टू 20 आरपीएम. तो अगर हम देखें इसमें, तो लिक्रिन जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि 1000 है, और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज 6000. तो लिक्रिन वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन सिलेंडर, then comes doffer, and then comes feed roll. So friends, these are the ways. हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि angular velocity होती क्या है. और angular velocity अगर आपने पता कर लिया, it is denoted by degree per second. और उसके बाद हम जो है इन चीजों को निकाल सकते हैं. एक दूसरा सवाल जो नॉर्मली पूछा जाता है कि भाई ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इनका जो है प्रिंसिपल क्या है. जैसे अगर हम उस्टर इवननेस टेस्टर की बात करें, शर्ले हेरीनेस टेस्टर की बात करें जो मीटर आप यूज करते हैं, और स्टेलोमीटर की बात करें, या एक्सटेंशियोमीटर जो कैम्ब्रिज एक्सटेंशियोमीटर है, तो
फ्रेंड्स एक चीज आपको जैसे पता है कि उस्टर इवननेस टेस्टर में कैपेसिटेंस है, डिफरेंट कैपेसिटेंस आर देयर, और जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है जो वो उसके अंदर जो जाता है, इट चेंजेस द कैपेसिटेंस, जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता है, एंड देन इट इज क्रेडिबिलिटी उसको वो डिनोट कर देता है उस्टर अनइवननेस परसेंटेज में, थिन थिक नेप्स में जो है। दूसरी चीज अगर हम बात करें स्टेलोमीटर, तो स्टेलोमीटर में आपने देखा है कि पेंडुलम इज देयर, और पेंडुलम प्रिंसिपल पे ही ये जो है काम करता है। आपने देखा भी है कि उसके अंदर जो स्केल है शुरू में क्लोजर होती है, उसके बाद जो है वो बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं शर्ले हेरिनेस मीटर की। इसके अंदर फोटो सेंसिटिव डिवाइस होता है, लाइट जो है वो फॉल करती है किसी भी चीज पे, वस्तु पे, तो हमें ये पता लग जाता है कितने फाइबर्स जो है प्रोट्रूड हो रहे हैं। तो कैम्ब्रिज एक्सटेंशोमीटर की बात करें तो इसमें जो है स्प्रिंग एक्सटेंशन इज द प्रिंसिपल। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ें तो हम ये जानें कि किस प्रकार से वो इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये दो क्वेश्चन जो दो सवाल हैं इनका जवाब आपको मिल गया होगा। हैव अ नाइस डे।